अस्सलाम वालेकुम, हसन निशानी वीलॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं इस वक्त, पीछे आपने नाम भी पढ़ा होगा, दुलम्याल गांव में। और कहते हैं कि ये फौजियों का गांव है, जर्नल्स का गांव है। और एक मुहावरा तो यहाँ पे यहाँ तक मशहूर है कि माएँ बच्चा पैदा करने से पहले पूछती हैं कि दसो केड़ा अफसर चाहिदा, जनरल चाहिदा, कर्नल चाहिदा। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको सैर करवाएंगे और दुलम्याल गांव के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मशहूर है, क्या कौन सी सियासी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ज़्यादा वोट रखती है। और आपको दिखाएंगे यहाँ के पूरा गांव और आपको पूरी सैर करवाएंगे। असल मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, ये पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है। यहाँ पे किसी ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त नाइट टूर्नामेंट होता था फुटबॉल का, और यहाँ पर हम अक्सर आते भी थे। और ये साथ ही पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे मौजूद है। और आए आपको सैर करवाएं दुलम्याल गांव। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दुलम्याल हिस्सा प्राइमरी के बिल्कुल सामने। और जो हिस्ट्री है दुलम्याल गांव की वो ये है कि यहाँ पर एक तोप लगी हुई है, और उस तोप की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे 1914 से 1919 तक जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो शिरकत की थी लोगों ने, वो इस गांव के लोग थे। वो तकरीबन 460 का फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 460 लोग वो इस गांव से थे, और उन 460 में से 9 बंदे जो उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। और यहाँ पर पंचायत लगाई जाती थी। यहाँ पे सामने एक बोर्ड का दरख्त भी है बड़ा पुराना सा, और कहते हैं कि उस बोर्ड के दरख्त के नीचे पंचायत हुई थी। और जो उस वक्त के गोरे थे, अंग्रेज़ थे आर्मी के, उन्होंने जब गांव वालों से पूछा कि आपने, आपको हम क्या चीज़ रिवार्ड करें इस जो आपने एक वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा शिरकत की और जानों का नजराना पेश किया, तो उस वक्त यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि हमें एक तोप दी जाए जो कि हम यहाँ पे नस्ब करें अपने गांव में, ताकि वो एक तारीखी तोप है, वो अभी तक मौजूद है। उस तोप को भी आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, और ये पूरा गांव भी दिखाएंगे, और इस गांव के मज़ीद क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, कौन सी सियासी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ज़्यादा वोट लेती है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आगे आपको लेकर चलते हैं। हसन, कैसा लगा आपको यार यहाँ दुलम्याल में आके, और क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा है। और तोप का तो हिस्ट्री तो आगे सुनी हुई थी, लेकिन इतनी डिटेल हिस्ट्री नहीं पता। आज इंशाल्लाह ये भी गांव के लोगों से जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। चले आए चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं दुलम्याल की। यहाँ पर एक हिस्ट्री लिखी हुई है, और इसके मुताबिक ये जो तोप लगी हुई है ये 1914 से 1919 की वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें खिदमात के बदले ये स्पेशल जो है जेलम से ये तोप यहाँ पर नस्ब की गई है। और यहाँ पे जो उनकी जो सुपरविजन कर रहे थे वो लिखा हुआ है जी, कैप्टन मलिक गुलाम मोहम्मद एंड अदर वेटरन्स 1925, यानी 1925 से ये तोप यहाँ पर नस्ब है। तो बड़े एजाज़ की बात है कि यहाँ पर ये एक एजाज़ के तौर पर, और ये जो उस वक्त ब्रिटिश सोल्जर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने ये एक एजाज़ के तौर पर इस गांव के लिए बड़ा एजाज़ है। और कहते हैं बड़े दूर दूर से लोग इस तोप को देखने के लिए आते हैं। Thank you.
जी इस वक्त हम दुलमियाल गांव में खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं हमारे, तो इनसे पूछेंगे कि दुलमियाल की जो हिस्ट्री है, खसूसन ये जो तोप लगी हुई है, इसकी क्या तारीख है। सर मशहूर हैं फौजी ज्यादा तो लोग फौजी मशहूर फौज तो घर घर है ना। सही है फौज अफसर जे सी ओ ओ आर ए तो बेसाबे जैन यानी ऐसा घर कोई बदकिस्मत घर होगा जिसका घर कोई फौजी ना हो सी, वरना हर घर त्रै चार साढ़ा खैर कारोबार पेशे ही है फौज मुलाजमत फौज भी करनी सिविल भी नहीं करते। सही है हूँ कोई थोड़ा रुझान उन्होंने हो गया यानी बदली हो गया ने रुझान उन्होंने बदली हो गया कि वड्डे अफसर जेड़े ने फौज में अपने बेटे नहीं कराने। असी लोग गरीब तो लोने भाई असा कोई कर के ना लेकिन असा करें कोई साढ़े जागत कोई फौज में अफसर भर्ती नहीं करें इशो तो वो आ रही है वो आ रहा था रैंक जो आना ना वो है चल हूँ पर पुलिस वाला आदमी उसको कोई पता करो। अच्छा अच्छा दसो भाई ये हल्का केड़ा होंदा ए पी पी बाई च होंदा या केड़ा सियासी तौर ते केड़ा हल्का है। सियासी तौर ते ते एक ही हल्का नहीं है ये बाई है की है या बाई है थोड़े बहुत लैन देन करके महफिल जी चलती है हर रोज चलती है हर रोज चलती है चले जी अच्छी बात है और ये महफिलें कायम दायम रहनी चाहिए। दुलमियाल गांव में हम मौजूद थे आपने आपको हमने ये सारी मैं तारीख बताई ये जो अस्सलाम। अच्छा ये है कि दुलमियाल गांव अपनी कुछ ख़ास चीज़ों की वजह से मशहूर है जिसमें नंबर एक तो यहाँ पर आपको हर घर में आलमोस्ट एक फौजी मिलेगा। यहाँ पे जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो अक्सरियत फौज से वाबस्त हैं। दूसरा अभी काफ़ी सारे चीज़ें और भी आ गई हैं अभी टेक्नोलॉजी में भी लोग गए हैं उसके साथ साथ ये जैसे कि अभी हम खड़े हैं ये तोप आपको नज़र आ रही होगी। इस तोप की हिस्ट्री ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी ना उसमें 419 लोग दुलमियाल से गए थे और उनका जो मेन जो उनका क्यादत थी वो कैप्टन गुलाम मोहम्मद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दें कि जो रहती दुनिया तक याद हो, मुझे ज़मीन ना दें पैसे ना दें। तो फिर उन्होंने ये तोप विक्टोरिया क्रॉस ली थी। ये दो गांव में और भी है, एक एक लंदन में है और एक मैराथर शाह के गांव है वहाँ पर भी है इसका विक्टोरिया क्रॉस का जो है ना ये है। अच्छा जी इस वक्त यहाँ पे एक और बुजुर्ग मौजूद हैं दुलमियाल गांव में ही हम मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि दुलमियाल की तारीख। सर क्या नाम है आपका और थोड़ी सी ये हमें दुलमियाल के हवाले से बता दें कि एक तो दुलमियाल में क्या चीज़ मशहूर है और क्या बातें मशहूर हैं। ये तोप लगी हुई है इसकी भी थोड़ी सी तारीख हमें बता दें। नाम तो मेरा मोहम्मद सफदर है मगर तोप का तो मैंने मतलब इतना पढ़ा लिखा है कि 1915 से लेकर 1919 तक जो फर्स्ट बार जंग हुई है उसमें हमारे गांव के आदमी ज़्यादा जंग में शामिल थे जिस वजह से इनको बुलाया गया कि आप आएँ और आपको हम इनाम देना चाहते हैं। उन्होंने इनाम हमें देने की बजाय एक आदमी को बुलाया आर्मी कैप्टन था वो उसके पास गया जब जेलों में तो उसने बताया कि मैं अकेला नहीं ले सकता क्योंकि 347 आदमी इसमें वार्ड हैं तो इसलिए सबसे पूछ कर तो मैं जवाब सवाल करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है उनसे मशवरा करो वो दुलमियाल में आया और उसने फिर अगर मशवरा किया तो किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला तो एक ने बोला कि तुम आप छोड़ एक तो भी हमें दे दें निशानी के तौर पर क्योंकि खाने वाली चीज़ें सब खा लेते हैं ना तो वो ख़त्म ही हो जाती हैं तो ख़त्म नहीं हो जब तक जिंदा दुनिया रहे तो इसलिए मैं इसका यही पता है सर। सही है और यहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आर्मी में ही हैं अभी भी तो कम नहीं है पर उस वक्त तो सब तो ज़्यादा हमारे गांव की आर्मी थी। सही सही एक्सपरेड है पीटीएलएल वालों की है अभी पाकिस्तान लबैक अभी ज़्यादा है क्योंकि ये एक मजहबी बेस पर भी है तो वैसे भी शरीफ लोग हैं ये दूसरे तो ऐसे बनमाश लोग हैं ना इनका तो अपना हिसाब होता है ना कि वक्त के वक्त आपका टीसी कर लेते हैं बाद में आकर जाओ मैं आपको जानते ही नहीं बस बात ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और मेहरबानी जनाब कोई ऐसी बात नहीं है
हमने तो जो बात करनी है साफ सुथरी करनी है ना, कोई किसी से लेन नहीं है देने खाने पीने का। हमें तो कोई अभी तक किसी ने चाय की प्याली ऑफर नहीं की है, जो आते हैं ना वोट छोटो वाले, हमें इनसे कुछ गर्ज नहीं है, ना हम इनसे डरते हैं ना उनसे कुछ लेते हैं, वोट ही देते हैं और ना लेना है ना देना बस। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने राय जानी, ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे और आपको पूरी तारीख बताई गई। आपने सैर की आज दुलमियाल गांव की और आपने जानी हिस्ट्री के तारीख क्या है दुलमियाल गांव की। इस वक्त हमारी बैक साइड पे बड़ा ज़बरदस्त फार्म हाउस है। ये कहते हैं कि ये सफदर साहब थे जो कि गवर्नर पंजाब भी रहे हैं मुशर्रफ दौर में, और उनका ये फार्म हाउस है और ये भी इनका तलक भी जो सा है वो दुलमियाल गाँव से ही है। तो हसन, कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आके? एरिया बड़ा खूबसूरत है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, तो क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा लगा है दुलमियाल की सैर करके। नाज़रीन को भी उम्मीद है कि आज का वीलॉग पसंद आया होगा। नए वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।